हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। भाई आप सभी लोग ने एक सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है ना, गुड न्यूज़ ये है कि देखो, अब आप लोगों ने मान लेते हैं आपने जितने भी आपके मतलब तैयारी आपने कर ली एग्ज़ाम की, जो भी न्यूमेरिकल के पोर्शन होते वो आपने पढ़ लिया, और आपने मान लो जो थ्योरी के पोर्शन होते वो पढ़ लिया था, ठीक है। ऐसे हर एक फॉर्मूलेस को आपने याद कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि अब करें क्या। देखो आप सभी लोगों ने, मैंने ये सोचा था कि चलो कोई नहीं, ठीक है। अब जो बच्चे देखो ऑफलाइन हो तो मान लो चलो कनेक्टेड है, अब जो ऑनलाइन है तो उनको हम कैसे कनेक्ट करें। देखो आप सभी लोगों ने क्या करना है कि देखो हमारा क्या होता है, यूनिक सेंटर व्हाट्सअप चैनल है, क्या करो सुनिए पूरी बातों को, क्या करूँ कि हमारा जो होता है यूनिक सेंटर नाम से आपका व्हाट्सअप मतलब वहाँ पर चैनल है, तो आप सबसे पहले क्या उस चैनल से क्या ज्वाइन हो जाओ। अब आप मान लो वहाँ पर ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके मिड टर्म के पेपर थे और मिड टर्म का जो फाइनल टर्म के आपके पेपर थे ना, तो आप क्या करो अपने मतलब घर पे जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो, आप वहाँ पर 2 या 2.5 घंटे का अपना टाइमर सेट करिए, और क्या करो आप वहाँ पर जो आपके कह रहा हूँ कि जो भी आपके क्या होते हैं वहाँ पर आंसर्स होते क्वेश्चन जैसे अटैम्प्ट करते हैं, 2.5 घंटे का टाइमर सेट करिए, 2.5 घंटे में आप सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करो अटैम्प्ट करो। और अटैम्प्ट किस पे, या तो आप A4 साइड आप मतलब सीट उठा लीजिए, या फिर आपका जो कॉपी होती है जो आपकी मान लो रजिस्टर्स होते हैं उसमें क्या पिन पेज आप निकालिए, उसमें से क्या करो सारे के सारे जो पेपर होते हैं जैसे पेपर अटैम्प्ट करते ना उस तरह का सारे के सारे क्वेश्चंस को आप करो सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के बाद क्या करो भाई, आप लोग क्या करो हमारा जो व्हाट्सअप यूनिक सेंटर चैनल है आप उस पर क्या करिए अपने सारे के सारे जो चैप्टर्स होते हैं जो अभी आपके आंसर शीट होंगी उस पर सेंड कर दीजिए। फिर आप लोगों को वहाँ पर क्या होगा आपके जो डाउट्स होंगे, जो आपके मिस्टेक्स होंगी, जो आपके सिली मिस्टेक हो सकते हैं फिर आपके न्यूमेरिकल को लेके, या फिर कोई वहाँ पर जो क्लैरिटी होगी अगर कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही ना, वो सारे के सारे जो आपके वहां पर डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। तो कोशिश करिए यार ये ना वीडियो हर एक उस बच्चे के पास पहुंचाइए जो बच्चे इकोनॉमिक्स के कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं और उसने तैयारी कर ली है, तो एंड ऑफ द डे अब उसको क्या करना चाहिए जो भी है। तो अगर आप लोगों ने अगर आप लोग ऐसा करते हो तो यार गारंटेड है कि जो हमारा जो एग्जाम होगा 19 अप्रैल का, तो वहां पर हमारे सारे के सारे डाउट क्लियर रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को लिखने का जो वे होगा वो क्लियर रहेगा। तो बस आपको ये करना है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और करो बिना देखे यार आपको चीटिंग नहीं करनी, बस ये अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा रख के चलिए। कोई नहीं आपको अगर मान लो माफ करना भाई, अगर आपको 20 से 25 क्वेश्चन कुछ नहीं भी आते हो, ठीक है, आप उसका बिल्कुल शांत होकर अपना सॉल्यूशन लिखिए सीट पे लिखिए, और या फिर A4 सीट उठाइए उसको अगर वहाँ पर व्हाट्सअप पे हमारे को कह दो शेयर कर दिए, और फिर उसका हर एक बच्चे कह रहे रिप्लाई दूंगा कि हाँ ये अपना नाम मेंशन कर देना कि मेरा नाम ये, उसके बेस पे कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को वहाँ पर सारे के सारे जो चीज़ें रहेंगी आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो अब देखो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कह रही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस